नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlllntop.com। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने गठबंधन किया है। सीटों का बंटवारा हो चुका था। इसी बंटवारे में बुंदेलखंड की जालौन गरौठा भोगनीपुर लोकसभा बसपा के हिस्से में आई थी। 2 मार्च को यहां से महागठबंधन का प्रत्याशी अजय सिंह पंकज को घोषित किया गया और इसके 10 दिन बाद एक ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में बुंदेलखंड क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर लाला राम और बसपा के वरिष्ठ नेता दिनकर को पंकज कथित तौर पर अपशब्द बोल रहे हैं। 47 मिनट 21 सेकंड के इस वायरल ऑडियो में सांसद प्रत्याशी के किसी अरविंद भौतिकी नाम के आदमी से बात करने की बात कही जा रही है। मोटा माटी क्या बातें हैं इस कथित ऑडियो में, आप वो जान लीजिए। पहले किसी प्लॉट की बात होती है, उसके खरीदने के लिए पैसे कम करवाने की बात होती है, फिर चुनाव में मदद की बात होती है, फिर लाला राम और दिनकर को कोसा जाता है। कहा जाता है लाला राम दिनकर के बच्चे हैं। भविष्य की प्लानिंग करते हुए सांसद प्रत्याशी पंकज कथित तौर पर कहते हैं, एक बार सांसद बन जाएं, जिसको कहो 10 मिनट में नंगा कर देंगे। बसपा के तमाम बड़े नेताओं के लिए कहा जाता है कि ये सब बेबी डॉल हैं, सब बच्चे हैं। भौतिकी से कहा जाता है कि चाहे दिनकर हो, लाला राम हो या कोई और, जिस दिन तुम मेरे साथ होगे बुंदेलखंड साफ होगा। आगे करोड़ों कमाने की बात भी हुई। फिर शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लाखन सिंह को तोड़ लोकसभा प्रभारी बनाने की बात हुई। ऑडियो में मायावती को भी निशाने पर लिया गया। कहा गया कि अगर बहन जी गलत करेंगी तो हमें उनका विरोध भी करना है। पैसे की फंडिंग की बात हुई तो कहा गया कि चुनाव जीतने के 2 महीने के बाद मिठाई सहित पैसा लौटाएंगे। सांसद प्रत्याशी पंकज ने कथित तौर पर कहा, लोकसभा लड़ेंगे पंकज ही, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो ये तो हो गई ऑडियो की बात। अब बात करते हैं बीएसपी के कल्चर की। यहाँ पार्टी और खासकर बसपा सुप्रीमो के खिलाफ अगर कोई एक बात भी कह दे तो एक दिन पार्टी में नहीं टिकता। तो सबकी नजर थी बसपा सुप्रीमो पर कि वो इस वायरल ऑडियो पर क्या एक्शन लेंगी। जवाब है, बसपा ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मायावती को बताया गया है कि ये ऑडियो फर्जी है, इसमें डबिंग की गई है। ये बात हमें किसी और ने नहीं, खुद सांसद प्रत्याशी अजय सिंह पंकज ने बताई। उनका कहना है कि ये सब उनके कुछ प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों द्वारा करवाया जा रहा है। वो बोले, मैंने अरविंद भौतिकी से कभी बात ही नहीं की, ना उससे मेरा कोई संपर्क रहा। ये ऑडियो खुद से बनाया गया है। उस आदमी का यही इतिहास है, वो 3 ऐसे ऑडियो वीडियो पहले भी निकाल चुका है। बहन जी को ये बात बता दी गई है, उन्होंने जांच करवाने को कहा है। इस ऑडियो को खंडन भी पार्टी ने कर दिया है। हमने जब पूछा कि अगर ये ऑडियो फर्जी ही है तो आपने इसे फैलाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई, तो वो बोले, अपने ही लोग हैं, अपनी ही जाति के हैं, मिशन के हैं, बस भटके हैं, उनका धंधा है ये, क्या कार्रवाई करवाएं। पंकज इससे पहले एक बार विधायक भी रहे हैं, 2007 से 2012 तक कोच विधानसभा से। जालौन में बसपा के पुराने नेता हैं और अब उनका नंबर लोकसभा के लिए लगा है। पर क्या वाकई फर्जी है ये ऑडियो? हमने इसकी हकीकत जानने के लिए उन अरविंद भौतिक से भी बात की जिनके साथ सांसद प्रत्याशी पंकज कथित तौर पर इसमें बात कर रहे हैं। अरविंद बीएसपी के कार्यकर्ता रहे हैं और खुद को बीएसपी के मिशन से जुड़ा हुआ बताते हैं। अरविंद ने साफ तौर पर कहा कि ये ऑडियो पूरी तरह से सही है, इसमें कही हर एक बात सही है। पंकज ने उनसे बातचीत के दौरान वो सब कहा जो इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है। अरविंद का एक वीडियो भी आया है जिसमें वो बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर लाला राम से खुद को जान का खतरा बता रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर लाला राम मायावती, डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम को धोखा दे रहे हैं। अपने वीडियो में वो लाला राम अहिरवार पर पैसे लेकर गलत प्रत्याशियों को टिकट देने का आरोप भी लगा रहे हैं। हमीरपुर के एक प्रत्याशी का टिकट पैसे न मिलने पर कटवाने का आरोप भी लगाया उन्होंने। हमने मामले में बसपा कोऑर्डिनेटर लाला राम से बात करने की भी कोशिश की मगर उनका फोन उठा नहीं। अब सवाल उठता है कि बसपा क्या कर रही है। बसपा प्रत्याशी पंकज कह रहे हैं कि वो इस ऑडियो में है ही नहीं, ऑडियो फर्जी है, मगर उनका ये तर्क गले नहीं उतरता कि अपने ही लोग हैं, अपने ही जाति के हैं, मिशन के हैं, भटके हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, जिस कथित ऑडियो को वो फर्जी बता रहे हैं उसमें मौजूद दूसरा आदमी अरविंद भौतिकी कह रहे हैं कि ये ऑडियो असली है, तो उसका भी अपना एक दावा है, किसे सही माना जाए, ये बड़ा सवाल है। तीसरी बात यह है कि सारा विवाद जुड़ता है सीधा बहुजन समाज पार्टी से, तो बसपा ने इस पर अब तक कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया आधिकारिक तौर पर, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि क्या यह सिर्फ बसपा की जालौन लोकसभा की आपसी खींचतान है या बसपा के संगठन में ही कुछ गड़बड़ी है। लोग इन सवालों के जवाब जरूर जानना चाहेंगे, वो भी बसपा किसी जिम्मेदार के मुख से। तो बसपा अगर सामने आती है और अपना पक्ष रखती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए dlllntop.com। बाकी आपका इस ऑडियो, इस पूरे विवाद पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।